क्या कहना चाहोगे और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके बाहर आने का? मेरे लिए भी डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एविक्शन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन टॉप 5 एटलीस्ट. और जो लोग अंदर हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज्यादा डिजर्विंग हूँ. दिस इज वॉट आई फील व्हेन आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, बट इट्स ओके यार, होता है. जर्नी थी मेरी, बढ़िया रही. आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग. आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? अरुण भाई, कोई शक ही नहीं है उसमें. नहीं, बट नॉमिनेशन में से जो 4 लोग थे, मुझे कंपैरेटिवली आयशा चली गई एक दिन पहले. मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि विक्की भाई, अगर इफ इवन इफ वोटिंग प्रोसीजर भी हुआ, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर विक्की भाई और मेरी फैन फॉलोइंग देखो, तो उस बेसिस पे भी आई डोंट नो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग. जहां मुझे कम वोट्स आए या जो भी हुआ, जितना वोटिंग बेसिस पे हुआ है, जो भी एलिमिनेशन हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था. अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं कर पाई, क्योंकि हो गया शायद इसलिए अड़बड़ी में, ना मेरे आंसू निकले ना कुछ निकला, मैं चली गई बस चुपचाप घर के बाहर सबको मिलके. तो हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि फिनाले के इतने करीब आके रह गई मैं थोड़ा सा. कोई बात नहीं. ईशा, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ईशा का एलिमिनेशन ईशा की खुद की वजह से हुआ है, बिकॉज जो फिनाले वीक में नहीं पहुंच पाई और फिर बाद में जो एग्रेशन आपका निकला, आपने जो मनारा को कही चीजें, फिर उससे पहले भी आपका अभिषेक का जो भी हो रहा था, आपने अपना गेम खुद खराब करना शुरू कर दिया. मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई, क्योंकि वो कहीं कोने कोपचे में चुप चुप के बोलते रहते थे. और शायद मेरी आवाज़ इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी, या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ, तो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके, अच्छा ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है. और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी मैटर है. और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है. मैंने कोई भी चीज पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए. मेरे ऊपर जब चीजें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे, ईशा ने क्या ही बोल दिया. मुझे ऐसा लगता है मैं वहां चुक गई जहां मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है. ईशा, अगर आपको बार डांसर हो या ऐसा कुछ चीजें आपको कोई बोलता, तो आप उस चीज को कैसे लेती, बिकॉज एक गर्ल को ये चीजें बोल रही है. मनारा की बात करते हैं, जिनको मैंने ये बात बोली है. तो मनारा ने दूसरे वीक से ही हर लड़की के कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी. दूसरा वीक तो घर के अंदर जाने के बाद इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि आप किसी को एकदम से जज नहीं कर सकते. बट मनारा ने वो भी किया. मनारा ने, मैंने सिर्फ मनारा के लिए बोला, मनारा ने ईशा, आयशा, अंकिता, खानजादी, सना, शी हैज टॉक्ड अबाउट एवरी वुमेन इनसाइड द हाउस. तो मुझे लगता है कि जब उनके ऊपर बात आई ना, उनका ऐसा रिएक्शन निकल गया. उन्होंने शायद इतनी गंदी गंदी चीजें बोली. आयशा को उन्होंने बोला है मनारा ने कि आप बस यही कर सकती हो, आप बस अपना आगे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ. मुझे उन्होंने बोला है आप कभी किसी की नहीं हो सकती, आपका तो यही कैरेक्टर है. खानजादी को उन्होंने बोला है कि आप एक लव एंगल के लिए अपनी इज्जत गिरा रही है शो में, एंड वॉट नॉट. तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने टाइम तक शांत रह के अगर उनकी किसी इंस्टिगेशन पे मैं भड़क गई और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरे मुंह से वो कस वर्ड्स निकल गए, मैं अपोलोजेटिक थी खुद के लिए. मुझे खुद को ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार पूरे शो में मैंने ऐसे शब्द यूज नहीं किए, तो मैं अब क्यों कर रही हूँ. बट देयर इज अ लेवल किसी को इंस्टिगेट करने का, और मुझे भी अगर इतनी बार बोला जाएगा तो रिप्लाई आएगा मेरी तरफ से. ईशा, आपने जैसे कि कहा इंस्टिगेट करने का एक लेवल होता है. अभिषेक के साथ कोकिंग को लेकर काफी चीजें बढ़ गई थी. उन्होंने मतलब समझ ने टिश्यू तक डाल दिया था. आप भी पीछे से काफी चीजें बोल रही थी, उस पर क्या कहेंगे, आपकी भी पोकिंग लेवल हाई चल रही है? मेरी पोकिंग लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपने अगर शो फॉलो किया है, डे वन से हर वीकेंड के बारे में अभिषेक को बोला गया कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपके खिलाफ जा रहा है, बिकॉज इतनी आपकी पोकिंग बढ़ती जा रही है कि सब लोग परेशान हो गए. और अभिषेक ने, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ, अभिषेक ने हर इंसान के साथ घर में उसी तरीके से बात की, इतना मुंह पे चढ़ के, इतना पास आके. तो उनका भी पोकिंग या इंस्टिगेशन का लेवल कोई कम नहीं रहा, बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी, तो हमारी शायद उसमें से 5% की रही होगी. और उसी पोकिंग में उनको इतना बुरा लग गया कि उनका ये सब रिएक्शन
निकल गया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैंने तो चांटा मार दिया, ये वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है. आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रो के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना कि बोल तो मैंने दिया, चलो इसको क्लियर कैसे करें ताकि मेरा एरोगेंस ना दिखे, जाके सॉरी बोल देता हूँ. तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन. बट वही अभिषेक, आपको शो के स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था आपकी उनके साथ दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब समर आया तब आपने अचानक से अभिषेक को पोक करना शुरू कर दिया. मैंने कभी भी पहले नहीं किया. समर और अभिषेक की जब भी लड़ाइयां हुई है, अभिषेक हमेशा, और जो पोकिंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई दिस, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा हो तो, कि मैं उस टाइम हॉल में थी भी नहीं जहाँ लड़ाई चल रही थी. अभिषेक ने समर्थ को बोला कि अरे तू अब क्यों अकेले लड़ाई कर रहा है, जा अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बुला के ला जा, क्योंकि उसके बिना तू लड़ नहीं सकता. ये स्टेटमेंट सुन के ही मैं बाहर आई हूँ कि अब तो मैं थी भी नहीं यार, आपने अननेसेसरी मुझे क्यों इन्वॉल्व किया. तो मैं इन्वॉल्व हुई, मैंने शायद पब्लिकली सबके सामने समर्थ की तरफ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए उसको वहां कुछ नहीं बोला, बट आप लोगों ने क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने अलग से समर्थ को बोला कि यार प्लीज स्टॉप इट. शायद मे भी कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है, बट पब्लिकली मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं किसी अपने इंसान को इस तरह पब्लिकली कॉल आउट करूं. आपका रिलेशनशिप जो था आप लोगों ने बाहर रिवील नहीं किया था, बट कई सारे लोगों ने ये अंदाजा लगा दिया था आप लोगों का रिलेशनशिप है, बट आपने मीडिया में आकर कभी नहीं बोला. जब इतना टॉक्सिक था आप दोनों का रिलेशनशिप, आपको इतना डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ा, फिजिकल यू नो इतनी सारी चीजें हो गई, तब आपने आवाज क्यों उठाई? क्या आप बिग बॉस का प्लेटफॉर्म इसीलिए चूज किए थे कि आप उसे एक्सपोज करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे काफी टाइम तक तो पहली बात पता ही नहीं था कि अभिषेक फाइनलाइज्ड है शो में आने के लिए. मेरा काफी पहले ही फाइनल हो चुका था शो में आना. एंड टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल वायलेंस थिंग, अगर आप आगे कभी अभिषेक को इंटरव्यू करते हैं या आप अंदर मीडिया कॉन्फ्रेंस राउंड भी करके आए होंगे, तो अभिषेक ने शायद, मुझे लगता है कि ये चीज उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कितनी बार मेरी तरफ से उसे अनकाउंटेबल अनगिनत चांसेस मिले हैं कि यार जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है. मैं अभी दुनिया के लिए कितनी भी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैंने कितना ही कुछ फेस कर लिया, लेकिन जब आप एक रिश्ते में होते हो, आप किसी से प्यार करते हो, तो आप उस इंसान की 100 गलतियां माफ भी करते हो, और मैंने भी वही किया. और वही मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई कि मैंने उस चीज़ को तभी उसी टाइम कॉल आउट नहीं किया. सो आई एम फीलिंग लाइक अ फूल कि मैंने तब नहीं बोला. ईशा, आप जो है कहीं ना कहीं अभिषेक को टॉक्सिक कह रही है, लेकिन समर्थ भी वही चीज़ें आपसे आपके साथ घर में कर रहा था, आप पे कॉफी फेंकना, आपको बोला दूर हट जा मुझसे, मेरे पास मत, वही चीज वो कर रहा है, तो डिफरेंस क्या? समर्थ ने कभी मेरे ऊपर कॉफी नहीं फेंका है फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर आप बात कर रही हैं कि कभी कभी जो उसका बिहेवियर रहा है मेरे टूवर्ड्स, तो ये एक जनरल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का रिश्ता होता है. अगर आप भी रिलेशनशिप में रहे होंगे आपको भी पता होगा कि 24/7 गुडी गुडी नहीं चल सकता कि तू मेरी बेबी है, मैं तेरा बेबी हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. कभी ना कभी मैं भी इरिटेट होंगी, सामने वाला इंसान भी इरिटेट होगा, पर वो कभी कभी हो और एक हद तक वो तो सही लगता है. मुझे कभी समर्थ की इरिटेशन अपने लिए बुरी नहीं लगी है, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे भी करके, मतलब मेरे काम से मुझे अलग नहीं करेगा. लेकिन जब चीजें रिलेशनशिप काम को इफेक्ट करने लग जाए, करियर को इफेक्ट करने लग जाए, देन इट बिकम्स टॉक्सिक. जब समत एंटर किए तो समत और अभिषेक ने आपका काफी मजाक मनाया है कि मैं डेट करूंगा कि नहीं, ये करूंगा फ्यूचर को लेके. अगर आप वो वीडियो देखे, लुक वेरी, दोनों ने टॉक्सिक किया है आपका, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन लग रहा था. समर्थ ने, समर्थ ने और अभिषेक दोनों बात करते थे पूल में, तो उस पर आप क्या वो फुटेज आपने देखा? मैं एग्जैक्टली वही रिप्लाई करने वाली थी कि मैं अभी बाहर आई हूँ. मुझे पहली बात तो ऑल ऑफ अ सडन 3 महीने बाद एक ऐसी जगह से बाहर निकल के मुझे सब कुछ बहुत ही नया लग रहा है. मैं गाड़ी में भी ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी मुझे बहुत नया लग रहा है. फोन वगैरह एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक इट इज वेरी न्यू टू मी, यू नो. तो मैं इतना नहीं चला रही हूँ और ना मैंने ये सारी फुटेजेस देखी है, तो जब मैं देखूंगी तब में भी मेरा परसेप्शन बनेगा. ईशा, आपको और समर्थ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें वो आपसे बात करते करते आपको बहुत ही गंदी गालियां दे रहे थे. क्या वो आपसे यूजुअली ऐसे ही बातें करते हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हो? नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट. वो कुछ मुझसे ऐसे बातें नहीं करते. एंड आई एम श्योर मैंने वो वीडियो नहीं देखा है जिस वीडियो की आप बात करें, बट अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई एम श्योर कि फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने, जैसे हम सिचुएशनली कुछ बोल देते हैं ना, अभी उससे वर्ड उन्होंने सिचुएशन पे वो बोला है. मेरे साथ कभी भी समर्थ का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी या बदतमीजी की है. ईशा, आपको देखा जाता है कि हमेशा आप विकी और अंकिता के झगड़ों में घुस रही हैं, जबकि उसको, जिसको सलमान खान ने भी आपको बोला था कि आपको घुसने की जरूरत नहीं थी उन चीजों में, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मेकर्स का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर सीजन में.
कोई कंटेस्टेंट सही होता है कोई नहीं होता है, बट मेकर्स का एक अलग ओपिनियन होता है, तो मैं उस चीज को जितना सही कंसिडर कर सकती हूँ मेरे पास उतना ही गलत कंसिडर करने का भी हक है। तो ये जो वर्ड यूज हो रहा है कि आप बीच में घुस जाती हैं, तो ये मैंने कभी यूज नहीं किया जब अंकिता जी मेरी और समर्थ की फाइट सॉल्व कराने की कोशिश करती थी, या जब मेरी और समर्थ के बीच में प्रॉब्लम होती थी अंकिता जी वॉज ऑलवेज देयर टू यू नो सॉल्व द सिचुएशन की यार चल और ना बड़े बात, तो मैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकती थी कि आप क्यों घुस रहे हो, पर मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे इंसान के इंटेंशंस पता है। वैसे ही लोगों को चाहे कुछ भी लगे, बट मुझे मेरे इंटेंशंस पता है। मैं विक्की भाई और अंकिता जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ जेन्युइनली, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी उनके बीच में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने ये भी कहा था अंकिता जी को अटेंशन नहीं मिलता, ये आपकी मनारा से आई थिंक सो कन्वर्सेशन हो रही थी कि अंकिता जी को अगर विक्की भैया अटेंशन नहीं देते तो वो इनसिक्योर हो जाती है। आपको नहीं लगता हस्बैंड एंड वाइफ में ये बनता ही है, क्योंकि मनारा उस लेवल तक ही पहुंच गई थी कि उनको टीज करे। आपने भी वहां पर वो कॉल आउट किया था वो चीज। डेफिनेटली मैंने बोला क्योंकि ये मैंने खुद की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं फील किया है इन समर देन माई सिचुएशन। मनारा की चिढ़ाने की बहुत ही पर्टिकुलर आदत है, क्योंकि जब मेरी मनारा और समर्थ वर इन गुड टर्म्स, पर जब मैं और मनारा ठीक टर्म्स पे नहीं थे, तो हमेशा जब भी मैं समर्थ और मनारा अगर एक रूम में, तो शी मेड श्योर कि वो यू नो समर्थ को बोले अरे कितना अच्छा शर्ट है या क्या है मुझे सुनाने के लिए। अकेले में वो कभी नहीं बोलेगी, मेरे सामने डेफिनेटली बोलेगी जस्ट टू टीज यू नो कि अगर मेल पार्टनर से मेरी अच्छी बन रही तो फीमेल पार्टनर को मैं टीज करूंगी। तो मैंने यही बोला कि अंकिता जी का जो रिएक्शन है या जो इमोशन है वो गलत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। एक लड़की का अगर अटेंशन डिवाइड होगा तो उसको बुरा फील होगा, विच इज वेरी नेचुरल। ईशा जब आयशा घर में आई थी, मनारा को आप और समर्थ बेबी सिटिंग दे रहे थे जब मुनव्वर उनके साथ नहीं थे, और फिर जब आपने उनको कॉल आउट फाइनल वीक में जब आपने उनके अगेंस्ट कहना शुरू की चीजें, तो बाहर उनकी फैमिली आपको बोल रहे थे कि गटर माउथ गटर ये वो, आपको नहीं आप इसके ऊपर क्या यू नो कहना चाहोगे? सी जो मेरी अफेक्शन थी मनारा के लिए वो भी एकदम सच्ची थी, और जो मुझे चिढ़ हुई मनारा से वो भी एकदम सच्ची थी, क्योंकि मैंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया ये देख के बढ़ाया यार इस लड़की के पास आज की डेट में कोई भी नहीं है। एक मुनव्वर था, आयशा के आने के बाद मुनव्वर भी मनारा से डिस्टेंस हो गया था, यू नो उसके पास नहीं जा रहा था, बात नहीं कर रहा था, तो वो लोग दूर दूर रहने लगे। समर्थ को बुरा फील होने लगा क्योंकि समर्थ और मनारा की दोस्ती मेरी और मनारा की दोस्ती से भी पहले की थी, तो समर्थ स्टार्टेड फीलिंग बैड। फिर धीरे से मनारा ने एक एपिसोड में आपने देखा होगा, मनारा ने मुझे जिम करते करते मनारा आई और उसने मुझे पीछे से आ गया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। ऑल्दो हमारा ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था कि वो रोए, पर वो रोने लगी। फिर मैं उसको रूम में लेके गई कि क्या हुआ क्या नहीं, तू अकेला फील कर रही, और मैंने उसको एक ही एडवाइस दिया कि तू बोल, तू बोलेगी नहीं ना तो तू अंदर ही अंदर दबती जाएगी, तेको बोलना पड़ेगा, प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। उसके बाद एक मुनव्वर और मनारा की मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें बॉटल की थोड़ा फोड़ी हुई थी मुनव्वर की तरफ से, तो आई थिंक मैं इसलिए थी, और चिढ़ मुझे मनारा के डबल स्टैंडर्ड्स पे हुई टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि किसी इंसान के लिए आप एक रात पहले इतनी गलत बातें बोल रहे हो कि वो अनडिजर्विंग है, वो ये है वो है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सिचुएशन जाने दी है किसी गलत इंसान को कॉल आउट करने में। मैंने हमेशा किया जब भी मौका मिला, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम मनारा मुझे सब कुछ बहुत कन्वीनियंस का लगा, तो मैंने उनको भी कॉल आउट किया। लास्ट क्वेश्चन गाइस, को लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनकी रिलेशनशिप रहे पूरी तरह से नेशनल टेलीविजन में आ चुका है, क्या कहना चाहिए उसको लेके मुनव्वर को लेके? इसी के साथ एक और एक क्वेश्चन है ईशा, जब मुनव्वर का ये एक्सपोज होना शुरू हुई चीजें, आयशा जब घर में आई, वेल सेम सिचुएशन आपका भी था इनिशियल डेज में, पर मुनव्वर ने आपको कभी भी अटैक नहीं किया जिस तरह आप पूरे घर वाले मुनव्वर पर अटैक करने लग गए थे, तो इसके बारे में हम दोनों का वही क्वेश्चन। तो मैं क्लियर करना चाहूंगी इस बात को, तो सबसे पहले कि जरूरी नहीं है कि पब्लिक अटैकिंग ही पूरी अटैकिंग हो। मुनव्वर ने अभिषेक से अकेले में इतनी बातें की है कि यार तू क्यों इसके पीछे लगा रहता है, ये तो ऐसी है ये तो वैसी है, नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट नहीं किया, और मजाक मजाक में बोलते ना मीठी छुरी, तो मुनव्वर ने मजाक मजाक में मुझे इतनी बार लेट डाउन फील कराया उस चीज के बारे में कि मेरे साथ अगर कुछ जिंदगी में गलत होगा ना तो मैं सोच लूंगा अरे यार मेरे साथ ईशा जितना गलत नहीं हुआ, तो मुझे भी ह्यूमिलेटेड फील होता था, पर मैंने कभी उस चीज का यू नो स्ट्रांगली अपोज नहीं किया उस चीज को कि अरे तू क्यों बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं, और ना ही वो बात वीकेंड का वार पे उठाई गई क्योंकि आई थिंक उतनी स्ट्रांगली नहीं बोला था। आयशा 22 दिन तक चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। आपने देखा होगा मैंने आयशा को भी गलत बोला, मैंने आयशा को भी बोला कि यार तू यहाँ क्यों आई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तब तक आयशा का कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बट द मोमेंट नॉमिनेशन के बाद 22 दिनों के बाद आयशा ने अपना मुंह खोला
आयशा ने बताया कि एक्चुअली क्या रीजंस हैं, कितनी चीटिंग हुई है, 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग 4 टाइमिंग. उस पर मेरा रिएक्शन था कि मुनव्वर जब मेरे साथ ही सिचुएशन आई थी तो मैं ऐसे दिखा रहे थे जैसे पता नहीं मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ, या अभिषेक तो उससे दूर हो जाइए, सही लड़की नहीं, तो क्या आप सही लड़के हो, मेरा आपसे ये सवाल है. अब एक लड़की जो बाहर से आई है वो और 3-4 लड़कियों का नाम आपके लिए जोड़कर लेकर आई है जिसमें आप एक 2 टाइमर 3 टाइमर दिख रहे हो, तो वो भी सही नहीं है. और मैं उन लोगों से दुखी हूँ जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस थिंग शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी. वो हमेशा एक अलग तरह से अपने शब्दों के जाल से यू नो लड़कियों को ट्रैक करते हैं, क्योंकि कला हम सबने उनके अंदर की देखी है कि वो कितने यू नो उनके शब्द इतने अच्छे हैं कि उनको ये बेसिकली आशीर्वाद है शब्दों का कि वो कुछ भी मैनिपुलेट कर देते हैं, शब्दों से किसी को भी फंसा लेते हैं. आयशा के साथ भी हुआ, पिछले शो में भी जो उनका रियलिटी शो था उन्होंने ये किया है, मनारा के साथ भी कहीं ना कहीं एक लव लाइकिंग फ्रेंडशिप चल रहा था, बाहर के और 3 रिश्ते लगा गए जिसमें कि आयशा ने घर के अंदर कन्फेस किया कि वो कहीं ना कहीं एक रिश्ता भी भेज कर आया. तो हमारे लिए वो भी बहुत शॉकिंग था कि मतलब मुनव्वर जो एक पर्सनालिटी कैरी करके आया है शो में इतनी अच्छी, वो तो कहीं रही ही नहीं. ईशा ने भी ये कहा है बाहर, उनकी जो लॉकअप की जो कंटेस्टेंट थी उन्होंने कहा कि जो मुनव्वर है लव गेम के लिए इस तरह का करते है, तो आप इस तरह के स्टेटमेंट क्या देख रहे हैं? इतनी कई सारी उनके रिलेशनशिप है, एक सिर्फ आयशा ही आई है, एक लड़की है और ऐसे कई सारी लड़कियां हैं, तो जो अंजलि अरोरा ने ये स्टेटमेंट दिया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं उन्होंने कब दिया है स्टेटमेंट, बट अगर उन्होंने ये बोला है तो आई थिंक उन्होंने ये विटनेस किया होगा या फेस किया होगा कि अंजलि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है. मे बी हमें क्या पता कि अंदर की क्या बात है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतना क्लोजली मैं नहीं जानती उनके रिलेशन को, बट जितना मुझे पता लगा तो वो यही था कि शो में मुनव्वर और अंजलि का एक लव एंगल था, बट आफ्टर द शो इट गॉट एंडेड, मतलब देयर वाज नथिंग. तो मुझे यही लगा जो मतलब नेशनल टीवी पे जो किस करना था क्योंकि ये फैमिली शो है, तो क्या आपको लगता है ये सही था? आपकी काफी वीडियोस भी वायरल हुई है, बच्चे भी देखते हैं ये शो को, अच्छी नहीं. तो सी जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना तो आप उस चीज का मुझे ऐसा लगता है कभी भी उस चीज के ऑपोजिशन में नहीं जाना चाहते हो क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील होता है कि ये मेरा अपना इंसान है. बट कहीं ना कहीं मुझे शायद मैंने इतना कंसिडर नहीं किया उस चीज को कि ओके नेशनल टेलीविजन है, अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन, और मैंने सिर्फ समर्थ और मेरे रिश्ते की वो रिस्पेक्ट में आउट ऑफ रिस्पेक्ट आउट ऑफ लव आप कह लो हमारे जो भी वो मोमेंट्स थे वो दिखाए गए, इन विच मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सोसाइटी में इतना गलत पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे जितना इक्वली कैरेक्टर के मामले में गलत ठहराया गया है उतना फिर मुनव्वर को भी ठहराना चाहिए क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी इक्वली बहुत गलत. ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मुनव्वर का डिसअपॉइंट गाइस ईशा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुनव्वर जेन्युइनली ट्रॉफी डिजर्व करता है बिकॉज उन्होंने पूरा शो सोते सोते निकाला है जेन्युइनली. और अगर आपने एपिसोड्स देखे मैंने ये बात बोली उनको कि यार मुनव्वर मतलब तेरा गेम मुझे जीरो लगता है ब्रो, अगर तेरे फैंस ना हो, अगर तू एक नॉर्मल इंसान की तरह शो में आता तो जीरो ही होता, मुझे नहीं लगता फैंस के अलावा कुछ भी. एक उसका आर्ट फॉर्म है जो भी है, स्टैंड अप कॉमेडी है जो भी है, उसमें वो बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज ईशा फादर ने आपके समर्थ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने बाहर एज अ दामाद समर्थ को मना किया है. सी मैंने कोई इंटरव्यूज देखे नहीं है तो मैं इस चीज पे अभी कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहूंगी क्योंकि ना मैंने घर पे इस बारे में बात की ना मैंने कोई इंटरव्यूज देखे. अगर आप लोग फिर भी बोल रहे तो मेरा टेक ये है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताया ही नहीं है, जब मैं बताऊंगी वो कन्विंस होंगे एंड आई नो एज पेरेंट्स वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे. थैंक यू थैंक यू Thank you. That's okay.